हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ स्वाति और आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खमन ढोकला की रेसिपी। तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैंने ये ढोकला गिट्स के इंस्टेंट मिक्सर से बनाया हुआ है, तो बहुत ही आसानी से इसे बन जाता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसके बैक में पूरे स्टेप लिखे रहते हैं, आप बस उनको फॉलो करिएगा और उनसे बन करके ये तैयार हो जाता है। और बहुत ही मतलब बिल्कुल स्पंजी सा बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको कुकिंग ना भी आती होगी तो आप इनके स्टेप्स को पढ़ करके आसानी से बना लेंगे। तो इसमें ये देखिए ऐसे पैकेट निकला हुआ है, इसमें लगभग 18 ढोकले बन करके तैयार हुए थे मेरे। और तो चलिए ये पैकेट सबसे पहले हम एक बाउल में ऐसे डाल लेंगे। तो इसमें सब कुछ मिक्स होता है, हमें कुछ भी नहीं डालना होता है जैसा कि मैं बता रही हूँ। और मैंने बेसन से भी बनाया हुआ है, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर बस एक चम्मच ऐसे भर के तेल डाल देंगे, ये मैंने बड़ा चम्मच लिया हुआ है। और फिर हम ऐसे तेल को मिक्स करेंगे अच्छे से, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका बैटर बनाना है। तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और कम भी नहीं डालना है। और पानी डाल के तुरंत तुरंत इसको ऐसे मिक्स करते रहना है थोड़ा थोड़ा, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। और हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जैसे हम जिस साइड को ये घुमा रहे हैं ना किसी चम्मच से या फिर इससे जिससे भी आप बंद करें या फिर हाथ से, तो आपको उसी हाथ मतलब उसी साइड घुमाना है। मतलब सीधे घुमा रहे हैं तो सीधे ही घुमाइएगा, उल्टा मत घुमाइएगा। तो इससे इसमें बहुत अच्छा वो बन जाता है। तो ये देखिए ये स्टेप मैंने 6 से 7 मिनट तक किया था। तो इससे हमारे ढोकले और भी स्पंजी बनेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी कम था तो मैंने और ऐड किया हुआ है, अभी मैं आपको पूरा दिखा दूँगी। ये देखिए तो बिल्कुल इसी तरीके से आप बैटर की कंसिस्टेंसी रखिएगा। तो इसमें आधे ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का यूज़ किया हुआ है मैंने। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से बैटर बनाना है। और फिर हमें एक ये मेरे पास ढोकला टिन थी तो उस पर मैंने ऐसे तेल लगा लिया और इसको ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी रख के आराम से बना सकते हैं, और या फिर आप ऐसे ही ऐसे इसमें ग्रीस करके बना सकते हैं। तो फिर हम तुरंत से इसका मिक्सर इसमें डाल देंगे इसी टिन में। आप टिफ़िन या फिर थाली किसी में भी बना सकते हैं, आपके पास कोई छोटा बर्तन हो उसमें भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए हमने सारा मिक्सर इसे टिन में डाल दिया है, और अब इसे हम रखेंगे भाप होने के लिए। तो ये देखिए इसको यहाँ रख देंगे, और ये हमने यहाँ एक बर्तन में लिया है 4 से 5 ग्लास पानी, और फिर गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें 2 नींबू ऐसे डाल देंगे। इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है, मतलब 2 नींबू यूज करने हैं, या फिर आप नींबू के 4-5 बूंद भी डाल सकते हैं। और फिर मेरे पास ये बर्तन है इडली का, ऐसे रख देंगे और इसके ऊपर हम इस टिन को रख देंगे और फिर इसको ढक देंगे। तो गैस का पहले पानी को हमने अच्छा गर्म कर लिया है, फिर इसको रखा है और फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है, और 15 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे भाप में और फिर ये ढक्कन खोलेंगे। तो ये देखिए हमारा ढोकला बन कर के तैयार है। हम ऐसे किसी चम्मच वगैरह से ऐसे चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये पक चुका है। थोड़ी देर छोड़ देने के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको हमने साइड में से चाकू से करके फिर इसको पलट के रख दिया एक थाली में, और ये देखिए आराम से निकल आया था, और आप देख सकते कितना स्पंजी बना हुआ है।
तो चलिए अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो एक पैन लेंगे, इसमें 1 से 2 चम्मच तेल डाल देंगे, और यहाँ राई डाली हुई है मैंने 1/2 चम्मच, और फिर 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़े करी पत्ते डाल देने हैं, और इसको 1 मिनट के ऐसे 1 मिनट के लिए ऐसे पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और फिर हम इस यहाँ पे इसको पकाने के बाद ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे हमने 1 ग्लास से कम थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, और फिर यहाँ पे चीनी डाल देंगे थोड़ी। तो यहाँ 1 ग्लास से थोड़ा सा कम पानी, और इसमें 2 चम्मच चीनी और 1 नींबू का रस डाल देंगे, और इसको अच्छा सा उबाला आने तक के पकाएंगे। तो ये सिरप हम अपने ढोकले के लिए तैयार कर रहे हैं, और इधर तब तक ढोकले हम ऐसे काट लेते हैं पीसेस में। तो आपका जैसा मन हो वैसे काट सकते हैं। यहाँ पे ऐसे मैंने लंबे लंबे ऐसे, मतलब जैसे ढोकला होता है वैसा ही शेप दिया है। और आपको मैं एक दिखाती हूँ निकाल के, ये देखिए कितना ज़्यादा रुई रुई सा बना हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। फिर हमें क्या करना है, इधर इसी के ऊपर वो जो हम लोगों ने सिरप तैयार किया था ना, वो डाल देना है पूरा। तो बस ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी लगता है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, ऊपर से हमने ये कोकोनट डाल दिया हुआ है, जो पाउडर आता है ना कोकोनट का वो, और थोड़ा सा कटा हरा धनिया। आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से सर्व करेंगे तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और खाने में तो अच्छा ही लगता है। तो ये देखिए कितना ऐसे दब जा रहा, कितना स्पंजी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये इसी तरीके से आप भी इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही आसानी से घर पे बन जाता है, और बहुत ही मतलब कोई भी झंझट नहीं लगता है, बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही कम टाइम में बन करके तैयार हो जाता है। तो आप इस मिक्सर से बनाइएगा और आराम से बन जाएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तब मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपको बेसन से ढोकला कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट भी करिएगा। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।